सारे ही पंज प्यारे ने। कुलदीप सिंह वैद ने अपना तर्क पेश करदे कहा कि सियासत नूं धर्म तों वख रखा जाना चाहिए, पर अकाली दल एक सियासी व्यक्ति नूं श्रोमणी कमेटी के प्रधान का अहुदा दिंदा है। अकाली दल ही अजिहे बयानां नूं तूल दे के अपनियां सियासी रोटियां सेकण की कोशिश करदा है, जबकि उन्हां दीआं नज़रां विच उह सारे ही पंज प्यारे ने। देखो ये विवाद कोई विवाद नहीं है, ये श्रोमणी अकाली दल के लीडर ने जान बुझ के खड़ा किया। हुण मैं पूछना चाहना एक सवाल साडे उन्हां लीडरां नूं जिहड़े इहो जे विवाद दीआं गल्लां करदे ने, जिहड़ा बंदा भी सिक्खी च विश्वास करदा है उह सारे पंज प्यारे। आपां घर दे विच कोई कम करदे आ, मैनूं याद है जदों तो मैं होश संभाली हाँ, जदों भी कोई चंगा काम करते हैं जां ईवन जदों भी घर दे विच कोई संस्कार भी हुंदा, कुछ भी हुंदा, कोई अरदास हुंदी है, तो मेरी माँ ने कहना पुत पंज सिख इकट्ठे कर लो, मतलब कि पंज प्यारे। इहदे विच की है, कोई पैट्रोनाइजेशन थोड़ी है, ये तो गुरु साहब ने पंज प्यारे थापे सीगे डिसीजन लैण लई कलैक्टिव, ठीक है। सो पंज प्यारे आपां सारे पंज प्यारे, मैं तो यह कहना इन्हां लीडरां नूं कि सिक्खी नूं छोटिया ना करो, पोलिटिकल गल्लां साडे धर्म च ना वाड़ो जिहड़ियां कि इन्होंने वाड़ियां हुई हैं। हर टाइम कहना कि क्यों श्रोमणी अकाली अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान क्यों पोलिटिकल बंदा लाया जाता, कि सिखां दे विच कोई इंटलैक्चुअल बंदे होर नहीं है अवेलेबल। एस जी पी सी साडी सारयां दी सांझी है, ये कोई श्रोमणी अकाली दल की जायदाद नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा प्रधान है वह बिल्कुल रिलीजियस ते इंटलैक्चुअल बंदा लाना चाहिए, कोई पोलीटिकल बंदा नहीं लाना चाहिए, असं हमेशा ही कहने। सो मैं बेनती करना जे साडे लीडर ने इन्हों कि यहोजे जे मसले होंगे इन्हों रंगत ना दिया करो। आप सारे ही पंज प्यारे हैं, जो भी कितने अरदास करते हैं पंज प्यारे करते हैं, आ घर के जो भी हों सारे पंज प्यार की गल करते हैं। जिस इंसान की फेथ सिखी विच है, चाहे वह किसी होर जात बरादरी का क्यों ना हो, वो साडा सिख है, सिखी स्वरूप च नहीं है, तो उन्होंने असं ये थोड़ी कहना भी वह पंज प्यारे, साडा तो भी पंज प्यारा है। हालांकि हुण कांग्रेसी विधायक ने पंज प्यारे साहिबान नूं लैके अपना तर्क पेश किया है, पर उस तो पहला श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों लीडरां नूं अजिहियां बयानबाजियां ना करन दी ताकीद की गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि जिस व्यक्ति नूं गुरबाणी या गुरु मर्यादा की जानकारी ना हो उस नूं अजिहे अल्फाज वरतन तो गुरेज करना चाहिए। देखो अखबारी खबरां मुताबक सोशल मीडिया मुताबक ये जिहड़ा चर्चा का विशा बनया होया है कि पोलिटिकल बंदियां दी तुलना जिहड़ी है वह पंज प्यारे साहिबान दे नाल कीती है, ये बहुत ही मंदभाग है। पोलिटिकल जिहड़े लीडर्स ने इन्हां नूं भाषा बोलते वक्त भाषा इस्तेमाल करते वक्त बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, संयम के नाल भाषा वरती जाए, किसी दीयां भावनावां नूं ठेस ना पहुँचे। पर आम तौर दे उत्ते देखण विच आउंदा है कि राजनीतिक लोक जिहड़े ने वो अपनी भाषा जिहड़ी है वह संजम दे नाल नहीं वरतदे, खास तौर दे उत्ते जिहड़े शब्द धर्म दे नाल संबंधित ने और समाज दे विच धर्मां दे विच सत्कारे जांदे ने, उन्हां शब्दां की वरतों करन तों गुरेज़ करना चाहिए। जे पता नहीं है कि कित्थे वरतों करनी है कित्थों वरतों नहीं करनी, तो इन्हां शब्दां नूं वरतों नूं गुरेज़ करना चाहिए। बहुत ही मंदभागा है, संसारी व्यक्तियों की तुलना दुनियावी व्यक्तियों की तुलना जिहड़ी है वह पंज प्यारे साहिबान दे नाल करना। मैं समझदा कि उन्हां नूं इस गल की जिहड़ी है माफ़ी मंगनी चाहीदी है समुचे सिख जगत दे कोलों। हुण हालांकि कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत ने अपने बयान तो बाद सिख संगतां तो मुआफ़ी मंग ली है, पर कांग्रेसी विधायक का यह बयान मुड़ तो बल्दी विच तेल का कम जरूर करेगा। अकाली दल पहला ही हरीश रावत खिलाफ़ परचा दर्ज करन दी मांग कर रहा है, अजिहे विच हुण कांग्रेसी विधायक कुलदीप वैद दे बयान तो बाद विरोधी धिरां की कदम चुकदियां ने यह देखना भी लाजमी होगा। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।